पापा को क्या कहना चाहते हैं? पापा को ये कहना चाहते हैं कि थैंक यू पापा, हम अकेले आदिवासी नहीं बनना चाहते और मेरे से पीछे पीछे आए बहुत कोई आदिवासी नहीं चाहते। IPL के लिए किसलिए जाना चाहते हैं? यही हार्ड हिटिंग के लिए, जरूर दिखाऊंगा, जीताऊंगा। महेंद्र सिंह धोनी जी को अपना रोल मॉडल मानकर, साथ ही साथ एक आदिवासी समुदाय से होने के बाद गुजरात टाइटंस के लिए 3,60,00,000 में बिकने वाले खिलाड़ी रोबिन मिन से आज बोकारो रिपोर्ट्स की टीम आपकी मुलाकात कराने जा रही है। नमस्कार, प्रणाम, जोहार, मैं कुमार शुभम बोकारो रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं रोबिन मिन जी, आइए जानते हैं इनकी कितने चैलेंजिंग रही है इनकी जर्नी, कैसे कैसे किन किन कठिनाइयों का सामना करके आज ये इस मुकाम पे खड़े हैं। सबसे पहले तो आपको बोकारो रिपोर्ट्स की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। सबसे पहले तो अगर हम कुछ भी शुरू करें तो क्रिकेट आपने कैसे शुरू किया? पहले तो मैं क्रिकेट देखता था टीवी पे, तो वैसे कॉस्को बोलते ना जी, टेनिस, वो टेनिस खेलते थे, तो पापा देखते देखते मतलब कि खेलते खेलते हम अच्छा खेलने लगे उसमें, तो हम पापा को किसी और के मतलब कोई और बताता था उनको, तो और बताता था तो उनके कारण पापा को इंटरेस्ट जाएगा, तो पापा इसे मैं अकेडमी में डाल दी। तो आपको ये नहीं हुआ कि ये हार्ड बॉल है इससे क्या खेलेंगे, टेनिस से ही खेलते रहते हैं? अगर डरते तो खेलने नहीं पाते। वाह, क्या बात है। उसके बाद आपने मतलब कैसे सोचा कि ये लाइन, अगर आपने पढ़ाई को साथ में लेके चले या फिर आप ज्यादा डिवोटी क्रिकेट के लिए ही शुरू से हो गए? पढ़ाई को लेके चल रहे थे लेकिन पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता, क्रिकेट। और हमने जहाँ तक सुना है कि आपका अटैकिंग रोल है, आप हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, तो ये बचपन से ही इसी अंदाज में खेले हैं या धीरे धीरे अडॉप्ट हुआ ये नेचर? बचपन ही से हार्ड हिटिंग ही मजा आता है। और ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप महेंद्र सिंह धोनी जी को आप अपना रोल मॉडल मानते हैं? बचपन ही से मतलब कि जब क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया तो उन्हीं को देखते आए, इसलिए बचपन ही से वो उनको देख के खेलना सीखे। और ये कहीं ये तो नहीं है कि रांची में है वो भी, आप भी रांची से हैं तो नहीं, ऐसा कुछ उनका गेम पसंद आया, बस गेम पसंद आया। अब जब हम आपकी बात कर ही रहे हैं तो आज आप गुजरात टाइटंस के साथ हैं जी, कितना चैलेंजिंग रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो जब आपने बचपन में क्रिकेट शुरुआत की होगी तो जो आज फैसिलिटीज मिल रही है उस समय वो मौजूद नहीं थे, तो आप कैसे कैसे किन किन कठिनाइयों का सामना करते आए? फिर दूसरी बात ये भी है, क्रिकेट एक महंगा खेल है, हर एक इक्विपमेंट यहाँ महंगा है, सस्ते में तो कुछ मिलेगा नहीं, बॉल भी 1,000 रुपये का आएगा जी। तो कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? बहुत कठिन, पापा ऐसे भी आर्मी में थे तो पैसा वैसे भी कम मिलता था, मैनेज कर करके मिले ले लेते थे, ज़्यादा ध्यान मेरे पे देते थे पापा, ज़्यादा ध्यान आप पे देते थे? हाँ देते थे, सब पे देते थे, लेकिन कुछ कुछ जबरदस्ती मैं खिलवाता था मुझे, लेकिन अब मुझे पता चला कि बहुत ज़रूरी है वो। पापा का जो सपोर्ट मिला ये आज आप देखते हैं अपने आप को, तो कितना मतलब कितनी खुशी महसूस होती है, और साथ ही साथ पापा को क्या कहना चाहते हैं? पापा को ये कहना चाहते हैं कि थैंक यू पापा, क्योंकि वहाँ वो बचपन से मतलब इतना सपोर्ट करते थे, तो अब पापा से मांगने का मतलब वो कुछ भी चीज़ मांगने की जरूरत नहीं पड़ता था क्रिकेट का, अब वो स्पॉन्सर ही मिल गया है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप भी एक आदिवासी समुदाय से आते हैं और पहली बार ऐसा कोई हुआ कि जो आदिवासी समुदाय से हमारे झारखंड से चुना गया है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इस चीज की खुशी बताएं, और साथ ही साथ जो बच्चे आपको देख रहे हैं आज, आप किसी को रोल मॉडल मान के आगे बढ़े, आज बच्चे आपको रोल मॉडल मान रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तक? हम अकेले आदिवासी नहीं बनना चाहते और मेरे से पीछे पीछे आए बहुत कोई आदिवासी चाहते, बहुत बढ़िया, बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए और साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए जितना भी काम कुछ में करते हैं करते रहिए, मतलब कंसंट्रेट करते रहिए, वही चीज मन से कर रहे हैं। हार्ड हिटिंग के लिए आप जाने जाते हैं, हम बात कर रहे हैं आपकी जर्नी की,
तो हम तो कामना करेंगे कि आप सबसे बड़े स्तर पे भारत के सीनियर टीम को भी रिप्रेजेंट करें। लेकिन हार्ड हिटिंग की हम बात कर रहे थे, तो आईपीएल में हार्ड हिटिंग करते हुए दिखना चाहेंगे? जरूर दिखना चाहेंगे, क्योंकि बिना उसके आईपीएल किस लिए जाना जाता है, यही हार्ड हिटिंग के लिए जरूर दिखाऊंगा। जीटी में जाऊंगा, जीटी को जिताऊंगा, जीटी को जिता के। हम बहुत बहुत धन्यवाद रोबिन मिंज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप मिले अभी रोबिन मिंज से, और जहां आपने सुना कि हार्ड हिटिंग मेरा पसंदीदा खेल है, मैं बचपन से ही हार्ड हिटिंग करते आया हूं और आईपीएल में भी हार्ड हिटिंग करता ही दिखूंगा। ऐसे ही हम आपको आसपास की खबरों को दिखाते रहेंगे। देखने के लिए जुड़े रहें बोकारो रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।